नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का खेल। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारकर सियासी पारा पूरी तरीके से चढ़ा दिया है। नामांकन करने के बाद सपा प्रत्याशी व पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ गए हैं। वे जहां जनता के बीच अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों के साथ बैठक और विचार विमर्श भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज सबसे पहले उन्होंने विद्वान तबके अधिवक्ताओं के बीच धर्मेंद्र यादव पहुँचे। दीवानी बार के अध्यक्ष दयाराम यादव और मंत्री राजेश सिंह पराशर ने उनका जोरदार स्वागत किया। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के अधिवक्ताओं के बीच चुनाव में चर्चा की गई। उन्होंने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि वे अधिवक्ताओं की बातों को सदन में उठाएंगे। इस दौरान सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष रामदर्श यादव, चंद्रशेखर यादव, शैलेंद्र यादव सहित समाजवादी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।